दोस्तों इसरो ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे चाइना पूरी तरह से डरा हुआ है, और ये तो इसरो ही है जो एक से बढ़कर एक कीर्तिमान रच चुका है। और अब एक ऐसा हथियार को डीआरडीओ के साथ मिलकर सफलतापूर्वक परीक्षण कर चुका है जो दुनिया में सिर्फ रूस और चीन के पास है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया का सबसे तेज मिसाइल या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की। यह एक ऐसा तकनीक है जो अब तक अमेरिका जैसे विकसित देश का भी हाथ नहीं लग पाया है। एग्जाम्पल के तौर पर SR-72 सन ऑफ ब्लैकबर्ड। इस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका की प्राइवेट कंपनी लॉकहीड मार्टिन एक ऐसा अनमैन एरियल व्हीकल डेवलप करना चाहती थी जो एक घंटे के अंदर अंदर दुनिया के किसी भी हिस्से में तबाही ढा सके। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी अनसक्सेसफुल ही रहा है क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने में काफी चैलेंजेस आते हैं। इसमें सबसे पहला दुश्मन होता है एयर फ्रिक्शन। जब कोई ग्लाइड व्हीकल हाइपरसोनिक रफ्तार से ट्रैवल करता है तो इंटेंस हीट से इसके बॉडी लिटरली पिघलने लगती है। दूसरा, इसके सामने में प्लाज्मा कवरिंग जिसके चलते ग्राउंड से कम्युनिकेशन टूट जाता है जिससे यह मिसाइल कहीं भी गिर जाने का संभावना होता है। लेकिन इसरो एक ट्राइसोनिक टनल के अंदर इस मिसाइल को सफलतापूर्वक टेस्ट कर चुका है।